और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, जहां अधिकारी से रंगदारी मांगने का मामला सामने आया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं पटना से, जहां 30 लाख की रंगदारी की मांग की गई है। पथ निर्माण विभाग के सचिव स्तर के अधिकारी से रंगदारी की मांग की गई है। अज्ञात फोन कर रंगदारी की मांग की गई है और रंगदारी नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और इस मामले को लेकर गांधी मैदान थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। तो बड़ी खबर बता रहे हैं राजधानी पटना से, जहां 30 लाख रुपए की रंगदारी पथ निर्माण विभाग के सचिव स्तर के अधिकारी से मांगी गई है और रुपए नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी गई है। अज्ञात फोन पर रंगदारी की मांग की गई है। तो गांधी मैदान थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं पटना से, 30 लाख रुपए की रंगदारी की मांग की गई है। और सहयोगी राजीव इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, पथ निर्माण विभाग के सचिव स्तर के अधिकारी से अज्ञात फोन कर रंगदारी की मांग की गई है और नहीं देने पर जान से मारने की धमकी भी दी गई है, क्या है ये पूरा मामला? जी देखिए, पथ निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता कार्यालय में ये सचिव स्तर के अधिकारी हैं। इनको एक अज्ञात फोन नंबर से कॉल आया, इन्होंने जब उठाया तो अगले सब से कहा गया कि क्या तुम्हारा नाम अमलेश्वर प्रसाद सिंह है? तो उन्होंने कहा कि हाँ, मेरा नाम अमलेश्वर प्रसाद सिंह है। इसके बाद फोन से 30 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई। जब ये अभी कुछ ये समझ पाते, उसके तुरंत बाद ही बोल दिया गया कि अगर नहीं देते हो तो जान से हाथ धोना पड़ सकता है। इसके बाद वो डर गए। उसके बाद उन्होंने सोचा कि इसका मैं क्रॉस वेरिफिकेशन हूँ, पूछूं कि क्या कारण है, क्यों मुझे 30 लाख देना होगा, क्यों मेरे जान को खतरा है। ये पूछने के पहले ही फोन काट दिया गया है। इसको देखते हुए सचिव स्तर के जो अधिकारी हैं अमलेश्वर प्रसाद सिंह, उन्होंने पहले अपने विभाग को बताया और विभाग को बताने के बाद उन्हें जब हरी झंडी मिली तो उन्होंने गांधी मैदान में अज्ञात नंबर, जो कि नंबर है, उसकी जानकारी देते हुए अज्ञात कॉल से धमकी देने और जान से मारने की, रंगदारी के साथ जान से मारने की धमकी मिलने की प्राथमिकी दर्ज कराई है। चलिए, बहुत शुक्रिया राजीव आपका तमाम जानकारी के लिए।